हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बेटा चलिए फिर आज आप मुझे एक बात बताएंगे कि अगर आपने अपने मामा जी, ठीक है, या आपके बुआ जी, ठीक है, और या फिर जैसे अब लॉकडाउन लगा हुआ है तो सब बच्चे घर पे हैं, तो आपने अपने फ्रेंड से, ठीक है, दोस्त से बात करनी है, तो आप उनसे कैसे बात करते हो? कोई मुझे बता सकता है? हाँ जी, तो इसका आंसर ये है कि आप फोन से, ठीक है, बात करते हो उनके साथ। ओके, तो जब आप फोन से, ठीक है, बात करते हो तो आप उनसे क्या बात करते हो बेटा? जो आपके मतलब मन में होती है, ठीक है, कोई भी फीलिंग, ओके, आपके मन के अंदर कोई भी फीलिंग है, ठीक है, फीलिंग जैसे आपको कोई मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई, ठीक है, और या किसी चीज़ की आपको मतलब क्या है, किसी बात का बहुत दुख हुआ, ठीक है, तो मतलब आप खुशी, दुख, ठीक है, या अपनी जैसे कोई भी आप ये बात सुनते हो कि मतलब आपके फ्रेंड ने बहुत तरक्की कर ली, ठीक है, तो आप हैरान हो जाते हो, ठीक, तो मतलब ऐसी जो फीलिंग है आपके मन की, तो आप अपने फ्रेंड से, ठीक है, या अपने रिश्तेदारों से उन फीलिंग्स को शेयर करते हो, ठीक है। तो क्या है कि हम फ़ोन की हेल्प से बात करते हैं, बात मतलब हम अपने मन की जो फीलिंग्स हैं तो वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो बेटा ये जो फीलिंग्स मन की जो हैं हम दूसरों तक शेयर करते हैं, तो इस दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन। हाँ जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा तो वो है कम्युनिकेशन पे। ओके, दैट इज़ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलिए फिर हम अपना चैप्टर जो है 15, ओके, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, तो कहते कि मीन्स मतलब होता है साधन, ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना। तो कहते मतलब हम किन किन तरीकों से बात करते हैं, ठीक है, तो इस चैप्टर में आप ये सब पढ़ोगे। तो कहते वी लिव इन अ ह्यूज वर्ल्ड, ह्यूज मतलब बहुत बड़ी वर्ल्ड, बहुत बड़ी दुनिया में रहते हैं। तो कहते वी ऑल लव टू बी इन टच विद आर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। कहते हमें बहुत अच्छा लगता है टू बी इन टच, ठीक है, टू बी इन टच मतलब एक दूसरे के संपर्क में रहना, ठीक है, हम ऐसे तो नहीं है ना कि एक दूसरे से अलग रह सकते हैं, नहीं रह सकते, ठीक, तो हमें एक दूसरे के टच में रहना पड़ता है। विद आर फ्रेंड और रिलेटिव, चाहे वो हमारे फ्रेंड हैं या फिर हमारे वो रिश्तेदार हैं। तो कहते सो वी नीड टू कम्युनिकेट विद देम, तो अगर हमें उनके टच में रहना है, ठीक है, तो हमें उनके साथ क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट मतलब बातचीत करनी पड़ेगी। अगर हम चुपचाप अपने घर में बैठे हैं, वो चुपचाप अपने घर में बैठे हैं, तो हमें क्या पता उनके घर में क्या हो रहा है या उनको क्या पता हमारे घर में क्या हो रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर हम एक दूसरे से बात करेंगे, अपने मन की बात एक दूसरे को बताएंगे, तभी तो है ना कि हम एक दूसरे के टच में रहे, ठीक। तो कहते कि वी राइट लेटर्स, तो कहते कि हम एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, या तो हम करते हैं लेटर के थ्रू, ठीक है, चिट्ठी लिख के, सेंड पोस्ट कार्ड, या फिर उनको पोस्ट कार्ड जैसे होता है वो सेंड करते हैं, भेजते हैं, टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है, और टेली, ये सब मतलब चिट्ठी होती है, ठीक है, जैसे लेटर हो गया, स्पीड, ये सेंड पोस्ट कार्ड, जो पोस्ट कार्ड हैं, टेलीग्राम है, ठीक है, तो ये हम मतलब एक लेटर लिख के उनको सेंड करते हैं, या फिर आता है ईमेल, ठीक है। ईमेल क्या होता है बेटा, जैसे आजकल कंप्यूटर का ट्रेंड है, ठीक है, तो कंप्यूटर से मतलब क्या है, नेट की हेल्प से हम ईमेल करते हैं, मतलब कंप्यूटर में हमने टाइप की और फिर दूसरे के पास, जिसके पास जो मतलब कंप्यूटर लगा हुआ है, तो हम उसको क्या है, इंटरनेट की फैसिलिटी भी है, तो हम उसको ईमेल करते हैं, तो जो हमने लिखा है वो टाइप जो है लेटर उसके पास पहुंच जाता है।
तो कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, यही प्रोसेस, ये प्रक्रिया जिसमें हम सेंड करते हैं मतलब भेजते हैं, या रिसीव मतलब लेते हैं, ठीक है, मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो इसी बात को क्या कहा जाता है, कम्युनिकेशन। तो कहते हैं व्हेन वी कम्युनिकेट विद अ पर्सन, जब हम एक आदमी से बात करते हैं तो कहते हैं वी आर एक्सचेंजिंग अवर थॉट। एक्सचेंज होता है अदला बदली करना, किसकी, अपने थॉट्स की, अपने विचार की, अपने आइडियाज़ की, ठीक है, विद दैट पर्सन इधर बाय टॉकिंग और बाय राइटिंग, चाहे हम बोल के करें चाहे लिख के करें, ठीक है। अब हमारे मन में कोई बात होती है तो हम कहते कि नहीं ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, तो वो कैसे हो पाएगी, जब हम बातचीत करेंगे तभी ना, कम्युनिकेशन, ठीक, मतलब अपनी बात दूसरे को बताना और दूसरे की बात सुनना, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सचेंजिंग ऑफ थॉट्स और आइडिया और कम्युनिकेशन। तो अब कहते हैं कि कम्युनिकेशन विदाउट स्पीकिंग, ठीक है, अब कहते हैं कि बोल के होती है कम्युनिकेशन, बट कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले भी कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो वो कौन से आते हैं, सबसे पहले तो वो आ गए बेटा कि जो बोल नहीं सकते और जो सुन नहीं सकते, ठीक है, तो ऐसे पर्सन क्या करेंगे, जब वो बोल भी नहीं सकते सुन भी नहीं सकते तो वो अपनी बात दूसरे को कैसे बताते हैं, बताओ मुझे कैसे बताते हैं, साइन लैंग्वेज से, ठीक है, वो साइन यूज़ करते हैं अपने हैंड मूवमेंट के द्वारा, अपने फेस एक्सप्रेशन के द्वारा, ठीक है, जैसे आप देखो एक हंसता हुआ फेस बनाओ, ठीक है, ये स्माइली, ठीक है, और दूसरा हमने सैड बना लिया तो ये ऐसे करेंगे, समझ में आ गई बात, तो मतलब वो फेस एक्सप्रेशन देके या फिर अपनी हैंड मूवमेंट के थ्रू, ठीक है, तो लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। तो कहते कि हैव यू एवर थिंक अबाउट हाउ पीपल कम्युनिकेट, कहते क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसे लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कि हु आर नॉट एबल टू टॉक और हियर, जो ना तो बोल सकते हैं ना ही सुन सकते हैं। तो कहते कि दीज पीपल कम्युनिकेट विद साइन लैंग्वेज, ऐसे लोग साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। वी कैन यूज साइन दैट पीपल कैन सी एंड अंडरस्टैंड, ठीक है, कि हमें ऐसे साइन यूज़ करने हैं जो लोग इजीली उनको देख के समझ सकें। तो कहते सम टाइम्स वी आल्सो यूज़ फेशियल एक्सप्रेशन टू कम्युनिकेट विद अदर्स, कई बार हम फेस एक्सप्रेशन भी देते हैं, ठीक है, ताकि लोगों को हमारी बात समझ में आ जाए। तो कहते कि सम टाइम्स इवन दोज हु कैन स्पीक, कहते कई बार ऐसे होता है कि जो बंदे बोल भी सकते हैं, ठीक है, बट कहते कि यूज साइन एंड सिंबल एज कोड, बट वो क्या करते हैं, साइन लैंग्वेज या सिंबल, ठीक है, निशान मतलब जो है एक्सप्रेशन करके, ठीक है, तो मतलब वो क्या करते हैं, कोड लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ताकि क्या है कि बाकियों को इजीली उनकी बात समझ ना आए, ठीक है, जिनको वो समझाना चाहते हैं सिर्फ उनको ही समझ आए, ठीक है, जैसे आर्मी में होता है ना, ठीक है, तो वो उनके कुछ कोड होती है, कोड वर्डिंग, ठीक, तो मतलब वो ऐसे साइन करेंगे कि मतलब आम पब्लिक को तो समझ नहीं आएगा, मगर जो आर्मी में लोग होंगे तो वो उनकी लैंग्वेज को ईजीली समझ जाएंगे। कहते इन डांसेस एंड थिएटर, ठीक है, जो मतलब डांस में या फिर थिएटर में जो नाटक किए जाते हैं, तो कहते परफॉर्मर्स यूज़ साइन लैंग्वेज, तो वो भी ऐसे लोग मतलब साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो कहते द क्लासिकल डांसर यूज़ पर्टिकुलर हैंड मूवमेंट कॉल्ड मुद्रा, ठीक है, टू एक्सप्रेस देमसेल्व, तो कहते जो डांसर होते हैं ना, ठीक है, जो पुराने टाइम के डांस करते हैं, तो वो कह रहे कि हैंड मूवमेंट यूज़ करते हैं जिसको मुद्रा कहा जाता है, ठीक, और वो अपनी फिर जो फीलिंग होती है वो दूसरों को समझाते हैं डांस के फॉर्म में। तो कहते इन अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ थिएटर कॉल्ड माइम, कहते एक और पार्ट है मतलब थिएटर फॉर्म, ठीक है, जिसको माइम कहा जाता है, माइम। तो कहते आर्टिस्ट यूज मूवमेंट ऑफ देयर हैंड और बॉडी, इसमें वो क्या करते हैं माइम में, वो अपने हाथों को हिला के या बॉडी की हिला के, ठीक है, एंड द एक्सप्रेशन ऑफ देयर फेस, ठीक, अपने हाथों से, अपनी बॉडी से और अपने फेस एक्सप्रेशन दिखा के, टू टेल अ स्टोरी विदाउट स्पीकिंग और मेकिंग ए साउंड, वो बिना बोले या बिना कोई आवाज़ निकाले, ठीक है, पूरी स्टोरी इन मतलब अपने हैंड मूवमेंट से, ठीक है, बॉडी की मूवमेंट कैसे करते हैं, तो मतलब फेस एक्सप्रेशन देके, ठीक है, तो मतलब वो क्या करते हैं कि पूरी स्टोरी जो है वो दुनिया को समझाने की कोशिश करते हैं।
तो अब हम देखते हैं बेटा, पहले तो हमने देखा कि मतलब बोल के, ठीक है, लिख के, ठीक है, या फिर साइन लैंग्वेज यूज़ करके हम क्या है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक, कि मतलब कौन कौन से साधन होते हैं जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो कहते हैं वी कम्युनिकेट विद अदर्स थ्रू डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, डिफरेंट मतलब अलग अलग तरीके हैं जिससे हम बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ। तो कहते हैं इन अर्लियर डेज, पहले समय में क्या होता था, पीपल यूज स्मोक साइन सिग्नल, ठीक है, स्मोक सिग्नल मतलब कि वो लकड़ियाँ जला के ना उससे जो धुआं निकालते थे, ठीक है, तो वो धुआं जो है मतलब उससे वो दूर बैठे हुए को साइन भेजते थे, ठीक है, तो वो उनकी बात समझ जाते थे। ड्रम बीट, ठीक है, ड्रम बजा के, ठीक है, तो उसकी बीट्स का ध्यान रखते थे, ठीक है, अगर अच्छी वाली है तो वो कैसे बजाना है ड्रम, अगर बुरी वाली है, ठीक है, तो वो कैसे बजानी है। तो साउंड एंड सिग्न साइंस, ठीक है, साउंड मतलब आवाज़ें और साइन, ठीक है, इशारे करके टू कम्युनिकेट। तो कहते हैं ग्रेजुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल साउंड एंड सिंबल बिकेम अ लैंग्वेज। तो कह रहे फिर धीरे धीरे यही जो साउंड यानी जो आवाज़ें निकालते थे और जो सिंबल मतलब ये इशारे वो यूज़ करते थे, तो ये क्या बन गए, एक लैंग्वेज बन गए, ठीक है, जो लैंग्वेज अब हम यूज़ करते हैं। तो कहते हैं कि टुडे वी कैन कम्युनिकेट विद अदर्स बाय राइटिंग लेटर। अब हम क्या करते हैं, लेटर लिख के, स्पीकिंग ओवर द टेलीफोन, टेलीफोन पे बात करके, और मोबाइल फ़ोन पे सेंडिंग एसएमएस, एसएमएस भेजते हैं, फ़ोन के ऊपर एसएमएस भेजते हो ना आप एक दूसरे को, और सेंडिंग ईमेल थ्रू द इंटरनेट। और ईमेल का मैंने बताया आपको कि कंप्यूटर के ऊपर लेटर टाइप करके और दूसरे को फिर वो मेल करते हैं। तो कहते हैं ऑल दीज मेथड्स ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस आर कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो इन सभी साधन जो हैं, ठीक है, चाहे हम लेटर लिख के करते हैं, बोल के, फ़ोन पे करते हैं, मोबाइल पे, या एसएमएस भेज के, ठीक है, मैसेज करते हैं, तो ये सभी जो साधन हैं इन्हीं सभी को कहते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले उसमें आ जाता है बेटा पोस्टल सिस्टम, ठीक है, कि सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था तो कौन सा तरीका चलता था, चिट्ठी लिखने का। तो कहते हैं कि लेटर्स आर द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओल्डेस्ट मतलब ये सबसे पुराना तरीका है, और चीप मतलब सबसे सस्ता, ठीक है। तो कहते हैं इन ऑर्डर टू राइट ए लेटर, जब हम अगर हमें लेटर लिखना है, तो कहते हैं ऑल वी नीड इज एन एनवेल्प। हमें क्या चाहिए, एनवेल्प मतलब एक खाली लिफाफा, ठीक है, इस टाइप से जिसके अंदर हम चिट्ठी लिख के डाल सके, और उसके ऊपर हमें क्या चाहिए, विद ए पोस्टल स्टैंप। ये देखिए यहाँ पे ना स्टैंप लगी होती है हर एक उस पर, ठीक है, तो स्टैंप के बिना वो जाता नहीं है, ठीक। और पोस्ट कार्ड चाहिए, ठीक है, या तो फिर पोस्ट कार्ड होता है मतलब एक ऐसे ये तो है ए एनवेल्प जिसके अंदर हम चिट्ठी लिख के डालते हैं। पोस्ट कार्ड ऐसे होता है कि मतलब इसके ऊपर ही हम लिखते हैं लेटर भी, और इसी के ऊपर एड्रेस वगैरह सब, मतलब इसके अंदर कुछ डालते नहीं है, ठीक है, इसी को सेंड कर देते हैं। एयर मेल हो गई, ठीक है, जो एयर मेल मतलब जो होती है जो बाहर की कंट्रीज में भी जैसे जा सके। और कहते हैं एन इनलैंड लेटर, जो ऐसी लेटर जो हमारे अपने देश में ही चलती है। तो कहते हैं इन ऑर्डर टू राइट टू सम वन आउटसाइड आवर कंट्री, अगर हमने किसी को फॉरेन में भेजना है, तो कहते हैं एन एरोग्राम इज अ चीपर मोड, ठीक है, एरोग्राम है, ठीक है, जैसे हम आजकल क्या है यहाँ मतलब कॉरियर भेजते हैं ना एक दूसरे को, ठीक है, तो वैसे जो फॉरेन में हमने भेजना है तो दैट इज़ कॉल्ड एरोग्राम। तो कहते हैं कि इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज पिजन टू सेंड एंड रिसीव लेटर्स फ्रॉम वन अनदर। सबसे पहले लोग जब मतलब ये पोस्ट ऑफिस वगैरह नहीं होते थे तो पिजन यानी कबूतरों को भेजते थे कि हमारी चिट्ठी उस दूसरे बंदे को दे आ, ठीक है, तो ये बहुत सियाने होते थे कबूतर, ठीक, जहाँ भी उनको भेजा जाता था तो वो वहीं पे जाते थे। कहते कि सम टाइम्स वी नीड टू सेंड अर्जेंट मैसेजेस, ठीक है, कई बार होता है कि हमें बहुत ज़रूरी मैसेज किसी को भेजना होता है, तो कहते विद इन अ डे और टू, एक या दो दिनों के अंदर अंदर। तो कहते कि सच अ सर्विस इज़ कॉल्ड कोरियर सर्विस, तो इसी को कोरियर सर्विस बोला जाता है, मतलब ये जल्दी जल्दी स्पीडली काम करते हैं, ठीक है, मतलब बंदा खुद चल के वो लेटर लेके, ठीक है, वो दूसरी सिटी में जाता है और उनको पहुँचाता है।
तो कहते हैं कि पोस्ट ऑफिसेज ऑल्सो प्रोवाइड सच अ सर्विस कॉल्ड स्पीड पोस्ट, ठीक है। तो जैसे ये कोरियर सर्विस है ना, तो ऐसे ही सर्विस स्पीड पोस्ट के नाम से जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो भी देते हैं, ठीक है। स्पीड मतलब तेजी से पोस्ट हो गया, ठीक। बस क्या है कि इसके चार्जेस अलग एक्स्ट्रा लगते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो कहते हैं नाउ अ डेज वी यूज़ ईमेल टू सेंड मैसेजेस, आजकल हम ईमेल का यूज़ करते हैं मैसेज भेजने के लिए। और लेटर्स टेक लॉन्गर टाइम इन डिलीवरी, क्यों कि जो लेटर है चिट्ठियाँ हैं तो उनको जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चलिए देखें बेटा कि हम कैसे लेटर सेंड करते हैं, ठीक है, हम चिट्ठी कैसे सेंड भेज सकते हैं दूसरे को। तो सबसे पहले चिट्ठी भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट ए लेटर ऑन ए प्लेन शीट ऑफ पेपर। सबसे पहले हमें चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, फिर हम क्या करेंगे एंड पुट इट इन टू द एनवेल्प, फिर हमें उसे खाली लिफाफे में डालना पड़ेगा। सील द एनवेल्प केयरफुली, उसको अच्छे से बंद करना होगा, ठीक है, ताकि चिट्ठी बाहर निकल ना जाए। फिर कहते हैं कि गो टू द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, हमें पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। परचेज रिक्वायर स्टैम्प, हमें स्टैम्प खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, एंड पेस्ट दैम ऑन द एनवेल्प, और फिर उसको गम लगा के क्या है एनवेल्प, ये जो लिफाफा है इसके ऊपर लगानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद कहते कि राइट द कॉन्टैक्ट एड्रेस, ठीक है, हमें क्या है कि जिसको हमने लेटर भेजना है तो उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, नेम, ठीक है, ऑफ द एड्रेसी, ठीक है, जिसको मतलब हमने लेटर भेजना है तो उसका हमें वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ऑन द एनवेल्प, जो एनवेल्प मतलब लिफाफा है उसके बाहर, तो कहते हैं अलॉन्ग विद द पिन कोड, और पिन कोड भी देना होगा, ठीक है। तो बेटा पिन कोड जो होता है, कहते हैं फुल फॉर्म है इसकी पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड, ठीक है। क्या है कि जो लेटर है, ठीक, तो वो उसका एक कोड वर्ड होता है, ठीक है, तो जो कोड होता है वो उनको अलग अलग सिटी का, अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे हमारा ये कुरुक्षेत्र का है 136118, ठीक है, ये 6 नंबर का डिजिट होता है, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे ये लेटर जाना है, ठीक। तो मतलब वो ये नहीं देखते कुरुक्षेत्र, नहीं पता उनको, सीधा वो क्या देखते हैं नंबर, ठीक है, ये पिन कोड देख के लेटर को वहाँ पहुँचा देते हैं। तो कहते हैं कि ड्रॉप द लेटर इन टू अ लेटर बॉक्स, फिर जब ये सब हो जाता है, मतलब एनवेल्प के ऊपर हमने सारा कुछ लिख दिया, एड्रेस वगैरह भी, फिर उसको हमें लेटर बॉक्स के अंदर डालना होता है, रेड कलर का लेटर बॉक्स होता है ना, ठीक है, देखा है आपने ये वाला, हाँ जी। फिर कहते हैं वेयर द पोस्टमैन कलेक्ट इट अलॉन्ग विद ऑल अदर लेटर, फिर जो पोस्टमैन है, ये देखिए हमने की लेटर इसमें डाल दी, तो पोस्टमैन क्या कर रहा है, इसको खोल के इसके लॉक को और इसमें से सारी लेटर निकाल रहा है बाहर। तो कहते हैं देन द पोस्टमैन सबमिट ऑल दीज लेटर्स इन द हेड पोस्ट ऑफिस, फिर वो क्या करता है, ये हेड पोस्ट ऑफिस में ये पर्सन बैठा है ना, इसके पास ये सारी लेटर वो जमा करवा देता है जो यहाँ से निकाल ली। तो कहते हैं द लेटर आर देन स्टैम्प्ड बाय द पोस्टमैन, फिर जो पोस्टमैन है उसके ऊपर अपनी स्टैम्प लगाता है एट द पोस्ट ऑफिस। तो कहते हैं दीज स्टैम्प्स लेटर आर सॉर्टेड आउट अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस दे हैव टू बी सेंट टू, फिर वो क्या करता है उनको अलग अलग कर देता है, ठीक है, मतलब किस किस एरिया में कौन कौन सी लेटर जानी है, तो एरिया वाइज उनको स्टैम्प लगा के वो अलग अलग कर देता है। फिर क्या होता है कि मेल वैन देन टेक दीज लेटर्स टू द एयरपोर्ट, पोर्ट्स और रेलवे स्टेशन, फ्रॉम देयर दे आर सेंट टू देयर रिस्पेक्टिव डिलीवरी प्लेसेस। फिर ये देखिए ये मेल वैन है, ठीक है, तो इसमें ये डाल के फिर ये मेल वैन चाहे मतलब एयरपोर्ट में लेके जाए, ठीक है, रेलवे स्टेशन वगैरह पे, मतलब जो है, ठीक है, हवाई जहाज़ से भी जाती है लेटर और ट्रेन से भी जाती हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो बक्से जो हैं उनमें रखवा आती है। तो कहते हैं व्हेन दे रीच देयर डेस्टाइंड सिटी और टाउन, जब वो अपनी अपनी सिटी में या टाउन में पहुंच जाती है लेटर, तो कहते हैं दे आर टेकन टू द मेन पोस्ट ऑफिस, फिर उनको मेन पोस्ट ऑफिस में लेके जाया जाता है। हेयर दे आर स्टैम्प्ड अगेन, फिर वहाँ पे उनको दोबारा से स्टैम्प लगाई जाती है, यहाँ से चलने पे स्टैम्प लगाई, फिर जब वो वहाँ पे पहुंच गई जिस सिटी में जाना था तो वहाँ पे फिर दोबारा स्टैम्प लगाते हैं उसकी, ठीक है। तो कहते हैं द पोस्टमैन सॉर्ट देम अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस विद इन द सिटी दे आर टू बी सेंट, ठीक है, फिर उस सिटी में जहाँ जिस जिस एरिया में उसको पहुंचाना है लेटर को, वहाँ वो लेटर पहुंचाई जाती है। कहते हैं कि देन दोज लेटर्स आर सेंट टू द पोस्ट ऑफिसेस लोकेटेड नियर द एड्रेसी, ठीक है, फिर वो लेटर क्या है
मतलब जो नियर पोस्ट ऑफिस होता है ना, जहाँ पे वो लेटर जिसको भेजी गई है तो उस एरिया के पास जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ तक पहुँचती हैं। कह रहे फ्रॉम देयर द पोस्टमैन ऑन ड्यूटी कलेक्ट द लेटर एंड डिलीवर दैम ऑन देयर रिस्पेक्टिव एड्रेसेस। ठीक है, फिर जो पोस्टमैन होता है वो सारे लेटर वहाँ से कलेक्ट करता है और जो जिनके घर में लेटर पहुँचानी थी उनके घरों में वो खुद पहुँचा के देता है। तो बेटा ये जो है फर्स्ट पार्ट है इसका, मतलब चिट्ठी के थ्रू जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बट इसमें बेटा क्या है कि टाइम लग जाता है। ठीक है, पहले तो हफ्ते 10 दिन लगते थे, ठीक है, अब क्या है कि अब मतलब 2-4 दिनों के बाद पहुंचती है। ठीक है, तो उसके बाद ये अभी हम ये चैप्टर यहीं पे बंद करते हैं और नेक्स्ट टाइम इसके जो नेक्स्ट जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो हम रीड करेंगे। ओके बेटा, बाय।